नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। गोविंदगढ़ सफेद शहरों की धरती के रूप में पहचाना जाता है। इसकी पहचान इसके तालाब को लेकर भी है। इसी तालाब में वाटर स्पोर्ट प्रारंभ करके जिला प्रशासन इसे पर्यटन के नक्शे में लाना चाहता है, जिसके चलते एसपी कलेक्टर ने किया गोविंदगढ़ का किया दौरा। गोविंदगढ़ जल्द ही टूरिज्म के नक्शे में दिखाई देगा। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन ने गोविंदगढ़ पहुंचकर लेख का निरीक्षण। हम आपको बता दें, दुनिया का पहला सफेद शेर मोहन तात्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था, लेकिन रखा था गोविंदगढ़ के किले में ही। गोविंदगढ़ के किले में रखकर यहीं से सफेद शेरों की नस्ल को पैदा किया गया। आज दुनिया में जितने भी सफेद शेर दिखाई देते हैं, सब मोहन के ही वंशज हैं। दुनिया के पहले सफेद शेर मोहन को पकड़ने के बाद गोविंदगढ़ के ऐतिहासिक किले में रखा गया था। ठीक इसी किले से लगा हुआ गोविंदगढ़ का तालाब, रीवा जिला प्रशासन ने इस जगह को टूरिज्म के नक्शे पर लाने का प्रयास तेज कर दिया है, जिसके चलते रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने गोविंदगढ़ के लेक व्यू का निरीक्षण किया। रीवा जिला प्रशासन चाहता है गोविंदगढ़ टूरिज्म के नक्शे में दिखाई दे। गोविंदगढ़ के पास ही दुनिया की व्हाइट टाइगर सफारी है। यहीं पर कुछ ही दूर में एक सौर ऊर्जा संयंत्र है, जो दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। यहीं पर एक टनल भी बनाई गई है। टनल को देखने काफी संख्या में लोग आते हैं। अगर गोविंदगढ़ के तालाब को विकसित कर दिया गया, यहाँ पर मोटर बोट और नौकायान की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई, तो निश्चित रूप से इस इलाके में सैलानियों का काफ़ी जमावड़ा लगने लगेगा, टूरिज्म के नक्शे में दिखने लगेगा। यहाँ के लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। गोविंदगढ़ के पास ही व्हाइट टाइगर सफारी है। गोविंदगढ़ में दुनिया के पहले सफ़ेद शेर को तात्कालीन महाराज मार्तंड सिंह ने पकड़ा था और यहीं पर रखा था। कलेक्टर रीवा और पुलिस कप्तान के गोविंदगढ़ दौरे के बाद इस दिशा में प्रयास तेज हो जाएंगे। कलेक्टर रीवा साफ तौर से कहते हैं, हम पर्यटन को बढ़ावा देने जा रहे हैं, हमारी नज़र गोविंदगढ़ पर आकर टिक गई है। यहाँ पर पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं हैं। पास में व्हाइट टाइगर सफारी है। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अप्रतिम है। यहाँ पर का सौंदर्य देखने लायक है। साथ ही इस तालाब की खूबसूरती, अगर इस तालाब को एक बार फिर से विकसित कर दिया गया, यहाँ बीच में जो भी टापू है उसको विकसित कर दिया गया, तो सैलानियों के आने जाने का सिलसिला काफ़ी तेजी से प्रारंभ हो जाएगा। सुनिए कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। ज़िले में टूरिज्म के और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी डेवलप करने के लिए और फुटफॉल बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और पिछले दिनों हम लोगों ने इसी के लिए गोविंदगढ़ लेक का निरीक्षण किया था। बहुत ही अच्छी प्राकृतिक धरोहर है ये, जहाँ पर कि एक अच्छा लेक भी है, प्राचीन इमारत भी है, और सबसे अच्छी बात है कि ये जो पहला सफ़ेद शेर मोहन रहा है उसकी पहली वो जगह है जहाँ पर उन वो बड़ा हुआ था और काफ़ी दिनों तक निवास किया था, वो साइट भी है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी जो है, जो कि मुश्किल से 4-5 किलोमीटर दूर है, उसको और गोविंदगढ़ लेक को लेते हुए एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया जाए, ताकि वहाँ पर टूरिस्ट के रुकने के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए, बोटिंग के लिए, क्रूज एक्टिविटी के लिए चीज़ें डेवलप हो सके, और इस पूरे इलाके का एक टूरिस्ट मैप पे अच्छा पोजीशनिंग हो जाए। इसी के आसपास ही एक और अच्छी चीज़ है कि हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी है, और नया जो टनल बना है वो भी है, तो ये एक बड़े पैकेज के रूप में डेवलप हो सकता है। हम लोग इसके बारे में एफर्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस इलाकों को मध्य प्रदेश के टूरिस्ट मैप पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका देते हुए डेवलप किया जाए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।